अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आज आपने अपने दिन को एक नई एनर्जी के साथ शुरू किया होगा। हम दुआगो हैं कि आपका दिन बहुत ही खुशगवार गुजरे। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नावल शर्ट का पार्ट टू, जिसको आपके लिए तहरीर करी है आयत नूर। ये एक हॉरर नावल है, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। वो गहरी नींद में था जब किसी अजीब से एहसास ने उसकी नींद में खलल डाला। आँखें खोल कर चंद पल वो गायब दिमागी से छत को घूरता रहा, फिर हलक में छुपते कांटों का एहसास हुआ तो नींद टूटने की वजह समझ में आई। उसने गर्दन मोड़कर मंदी मंदी आँखों को बमुश्किल खोलते हुए ज़रा ऊपर को उठकर साइड टेबल पर रखी पानी की बोतल पकड़ी, लेकिन बोतल खाली थी। बोतल तो भर के रखी थी मैंने, वो उलझन ज़्यादा सा बड़बड़ाया। इस सर्द मौसम में गर्म बिस्तर से निकलकर किचन तक जाना मुहाल लग रहा था। उसने बोतल वापस रखते हुए दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन प्यास की शिद्दत ने बिस्तर से निकलने पर मजबूर कर ही दिया था। बिजार सा मुँह बनाता वो बोतल लिए किचन की जानब चला आया। सर्दी होने के बायस यहाँ नल का पानी ही काबिल इस्तेमाल होता था। तभी उसने नल खोलते हुए बोतल नल के नीचे की, लेकिन फिर चौंका। नल पर दो तीन बार हाथ मारा, लेकिन पानी का एक कतरा तक नहीं आ रहा था। क्या मुसीबत है यार, वो जी भर के बदमजा हुआ। फिर कोफ्त ज़्यादा सा किचन से निकल कर सीढ़ियों की जानब बढ़ा। लाइट्स बंद हैं, मतलब बेला सो रही है, वो जेरे लब कहता उसकी नींद टूटने के डर से मोहतात कदम उठाते हुए बिना आहट पैदा किए नीचे मौजूद किचन की जाने बढ़ा। किचन की लाइट ऑन करते हुए नल खोला तो पानी की धार बहने लगी। शुक्र खुदाया, उसने बोतल पानी से भरी। फिर नल बंद करते हुए वहाँ मौजूद कुर्सी पर बैठता पानी हलक में उतारने लगा। प्यास बुझते ही सुकून सा महसूस हुआ था। बोतल रीफिल करता वो किचन से निकला था, इरादा ऊपर अपने पोर्शन में जाने का था, जब दरवाजे से निकलते वजूद ने उसे बुरी तरह चौंकाया। बेला, ये इस वक्त कहाँ जा रही है? वो उलझन ज़दा सा उस खुले दरवाजे को देखे गया। उसे चंद दिन पहले का मंजर याद आया था, जब रात के इसी पहर उसने नीचे का पोर्शन छान मारा था, लेकिन बेला कहीं नहीं थी। और जब वो पियानो रूम में था तब वो अचानक जाने कहाँ से नमदार हुई थी। मतलब वो रोज़ इस वक्त कहीं जाती थी, लेकिन कहाँ? वो चंद लम्हे शशपंच के आलम में वहीं खड़ा रहा, फिर फितरी तजस्सुस से मजबूर होता बोतल वहीं एक जानब रखता खुद भी दरवाजे की जानब बढ़ा। बाहर होती बर्फबारी में हॉल से निकलकर रविश पर खड़ा वो मतलाशी निगाहों से इधर उधर देख रहा था, जब वो लॉन से गुजरकर दूसरी जानब मूर्ति दिखाई दी थी। रिहान भागने किसी अंदाज में लॉन उबूर करता उस राहदारी की जानब आया जहाँ वो जाती नजर आ रही थी, और उसका उकब में दूर तक फैला सफ़ेद लिबास। वो एकदम ठिठक सा गया। फिर से उस पर वही अजीब सी कैफियत तारी होने लगी थी। सर में उठती दर्द की लहर, कानों में पड़ती कुछ मिली जुली आवाज़ें और जहन के पर्दे पर उभरते धुंधले से गैर शनासा मनाजर। सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, एक लड़का कोई गिफ्ट बॉक्स उस लड़की की जानब बढ़ाए खड़ा था। मेरे लिए? उस लड़की ने हैरान निगाहों से उसे देखते हुए गिफ्ट बॉक्स खोला। वाओ, सफ़ेद गाउन देखकर उस लड़की की आंखों में सताइश उभरी थी। कैसा है? वो लड़का इश्तियाक के आलम में पूछने लगा। बहुत खूबसूरत, मैं अभी पहनकर आती हूँ, लड़की के लहजे की खनक बता रही थी कि गिफ्ट की कीमत वसूल हो गई थी। और फिर कुछ ही देर बाद वो उस लिबास में आती दिखाई दी थी। अमेजिंग, वो लिबास इस कदर जच रहा था उस पर गोया उसी के लिए बनाया गया हो। यूनिवर्सिटी से वापसी पर मार्केट गया था कुछ चीज़ों की खरीदारी के लिए, जब इस लिबास पर नज़र ठहसी गई दिल में फ़ौरन तुम्हारा ख्याल आया, और पता नहीं क्यों अपनी तमाम ज़रूरियात भूलकर जेब में मौजूद सारी रकम खर्च करके ये लिबास खरीद लाया। लेकिन तुम्हें इस लिबास में देखकर लग रहा है कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। ये गाउन तुम्हारे अलावा किसी और के तन पर सजता तो इस लिबास के साथ बहुत ज्यादती होती, वो गंभीर लहजे में कहता उसके करीब चला आया था, जबकि उसकी दिल फरेब बातों के हसार में जकड़ती वो लड़की सुर्ख पड़ता चेहरा झुका गई थी, जब उस लड़के ने उसकी थोड़ी तले हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर किया और ठक की आवाज़ पर वो जैसे गहरी नींद से जागा था। गायब दिमागी के आलम में इर्द गिर्द देखा
तो वो अंधेरी रात में वहाँ उस हवेली की राहदारी में खड़ा था और बेला वो एकदम चौंका। सामने कोई दरवाज़ा था और शायद इस दरवाजे के बंद होने की आवाज़ ने ही उसे ख्यालों की वादी से बाहर निकाला था। वो भागता हुआ उस दरवाजे की जानेब आया, उसे खोलने की कोशिश की लेकिन वो लॉक था। बेला, लोहे के उस दरवाजे को बजाते हुए उसने बेला को पुकारा था लेकिन जवाब न दावत। बेला ने यकीनन उसके कदमों की आहट तो ज़रूर सुनी होगी लेकिन इसके बावजूद वो पलटी नहीं थी बल्कि किसी ट्रांस की कैफियत में आगे बढ़ती चली गई थी, जैसे आसपास की कुछ खबर ही ना हो। कहीं इसे नींद में चलने की बीमारी तो नहीं, वो खुद से सवालों जवाब करता किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। और अगर वाकई ऐसा हुआ तो बेला को कोई नुकसान भी पहुंच सकता था। बेला, दरवाज़ा खोलने कहाँ जा रही हैं आप? उसने फिर से दरवाज़ा धड़ाधड़ बजाया था लेकिन दूसरी जानब बिल्कुल खामोशी थी। उसने उलझते हुए ज़रा पीछे होकर उस दरवाजे को देखा, फिर ऊपर खुले आसमान की जानब। ये दरवाज़ा शायद घर की पिछली जानब खुलता था लेकिन अकल समझने से कासिर थी कि एक अकेली लड़की यूँ रात के इस पहर भला कहाँ जा सकती थी, वो भी बैकयार्ड में। लेकिन क्यों, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि वो उस दरवाजे को खोलने के लिए कोई हिकमत अमली इख्तियार करता, उकब से सुनाई देती आवाज़ पर बुरी तरह उछला। पलट कर देखा तो आंखें बेयकीनी से फैली। आप यहाँ? वो शदद्दर सा सामने खड़ी बेला को देख रहा था, फिर आंखें मसली लेकिन मंजर बदला नहीं था, वो अपनी जगह मुजस्सम मौजूद थी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम रात के इस पहर इतने सर्द मौसम में यहाँ क्या कर रहे हो? बेला का लहजा उखड़ा उखड़ा सा था जबकि वो अब तक गंग खड़ा था। अगर बेला यहाँ थी तो दरवाजे के उस पार जाने वाली लड़की कौन थी? और वो एकदम ठटका, निगाह दोबारा बेला के सरापे पर डाली जो ब्राउन ओवरकोट में मलबूस थी। वो सफ़ेद लिबास तो कहीं नहीं था और ना ही सफ़ेद लिबास में मलबूस वो लड़की। मैं आपके पीछे आया था, आपको हॉल से निकल कर वहाँ उस दरवाजे में गायब होते देखा था मैंने। और वो उलझन ज़्यादा सा बात अधूरी छोड़ गया। सीरियसली, अगर मैं उस दरवाजे के पीछे गायब हुई थी तो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है इस वक्त? और मैं इस वक्त बैकयार्ड में क्या लेने जाऊंगी? बेला चुपती हुई निगाहों से उसे घूर रही थी। वो खामोश सा हो गया कि इसी सवाल की खोज में तो वो यहाँ उसके ताकुब में आया था। आई एम सॉरी, शायद मुझे वहम हुआ होगा, वो सर झटकता उसके पास से गुजरता वापसी के लिए बढ़ा। सुनो, उकब से सुनाई देती बेला की पुकार ने उसके कदम जंजीर किए। उसने पलट कर बेला को देखा जो ओवरकोट की जेबों में हाथ फंसाए खड़ी थी। ऊपर से गिरते बर्फ़ के गाले उसके बालों में अटक रहे थे। जब तक यहाँ हूँ दोबारा इस इंसानी की कभी गलती भी मत करना, बेला के लहजे में वार्निंग थी। क्यों, ऐसा भी कौन सा राज है इस दरवाजे के पीछे जिसे मुझसे छुपाना चाहती हैं आप? किसी को कत्ल करके दफना रखा है क्या? वो जाने क्यों चिड़सा गया था। बेला के चेहरे पर अजीब सा तासर उभरा। फिर चंद कदम चलती वो उसके मुकाबले आई। बेखबरी बहुत बड़ी नेमत होती है, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अगर इंसान कबल इस वक्त उन्हें जान ले तो उसकी रातों की नींद और दिन का सुकून छिन जाता है। फिलवक्त तुम्हारे पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए अपनी मुतजस्स तबीयत को काबू में रखते हुए इस गोल्डन टाइम को एंजॉय करो। क्या पता कल ये सब रहे ना रहे। लम्हों पर वो ही मखसूस मुस्कराहट सजाए वो अपनी बात मुकम्मल करती वहाँ से जा चुकी थी, जबकि उसकी बातों को समझने की कोशिश करता रिहान कितने ही पल वहाँ से हिल तक नहीं सका था। सफ़े पर रवानी से चलता उसका कलम वाज़े कर रहा था कि उसके दिमाग में अल्फाज का बड़ा ज़खीरा था। तभी जहन में उभरते मनाजर को अल्फाज में ढालने में उसे ज़रा सी भी मुश्किल पेश नहीं आ रही थी। कहानी के दो हिस्से वो मुकम्मल कर चुका था, सिर्फ एक तहाई हिस्सा बाकी था और वो जल्द से जल्द उसे मुकम्मल करना चाहता था। लिखने के लिए हमेशा से उसका मनपसंद वक्त रात का ही होता था कि जब सारा आलम सो रहा होता था तब वो जाग कर चार सू फैली गहरी खामोशी में जहन में ऊधम मचाते अल्फाज को करतास पर बिखेरता था। अभी भी रात का जाने क्या वक्त हो रहा था और वो लिखने में मगन था जब एकदम कमरे की बुझती लाइट्स ने उसके अमल में खलल डाला। लाइट को क्या हो गया?
उसने अंधेरे में टेबल पर हाथ मारते हुए फ़ोन तलाश करना चाहा ताकि टॉर्च ऑन कर सके, लेकिन दाएं जानिब से रखते हाथ से किसी चीज़ को धक्का लगने और कुछ नीचे गिरने की आवाज़ सुनाई दी। लानत हो, वो झंझलाया। फ़ोन उसने किताबों के ऊपर रखा था और अभी चंद किताबें गिरी थीं तो यकीनन फ़ोन भी नीचे गिर चुका था। वो अपनी जगह से उठता चंद कदम के फासले पर बनी खिड़की की जानिब आया और पर्दा हटाया तो चांद की रोशनी ने उस हॉल कमरे को कुछ हद तक रोशन किया था। वो पलटने ही वाला था जब बाहर नज़र पड़ते ही चौंका। दूर उस मैदान में जलती लाइट्स बता रही थी कि सिर्फ यहाँ इस हवेली की लाइट ही बंद थी। पता नहीं रोज़ कोई ना कोई मसला क्यों पैदा हो जाता है यहाँ, वो बेजारिया से कहता वापस टेबल तक आया। नीचे पड़ा फ़ोन तो मिल गया था लेकिन उसे ऑन करने की कोशिश की तो वो ऑन ही नहीं हुआ। उसने झंझलाए हुए से अंदाज में फ़ोन टेबल पर पटका। अच्छा भला लिखने का मूड था लेकिन इस लाइट ने सारा मूड ख़राब कर दिया था। उसे याद आया किचन की दीवार के साथ मौजूद टेबल पर कैंडल स्टैंड रखा था। अगर कैंडल स्टैंड था तो यकीनन कैंडल्स भी होंगी। वो अंदाजे से चलता कैंडल स्टैंड तक आया, फिर मेज़ का दराज खोल कर इधर उधर हाथ मारा तो तवक्को के मुताबिक कैंडल्स मिल गई थी। वो कैंडल हाथ में लिए किचन में आया और लाइटर की मदद से कैंडल जलाई, फिर बाहर आकर उस कैंडल को कैंडल स्टैंड में लगाया और मेन स्विच चेक करने का इरादा बांधता सीढ़ियाँ उतरता नीचे चलाया। मेन स्विच तक पहुँच कर एक हाथ से कैंडल स्टैंड थामे, दूसरे हाथ से मुख्तलिफ वायर्स चेक करता वो मसला समझने की कोशिश कर रहा था जब अंदर से सुनाई देती चीख की आवाज़ पर वो बुरी तरह चौंका। बेला, जहन में फौरन बेला का ख्याल आया था और चंद दिन पहले का वो वाक्या। मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है शायद, फिर से उसे अपना वहम समझता वो सर झड़कता वायरस की जानिब मुतवज्जा हुआ था। लेकिन अगले ही पल फिर से खामोशी को चीरती बेला की चीख की आवाज़ साबित कर गई थी कि यह उसका वहम नहीं था। वो भागते हुए आवाज़ की सुनता आया था। तेज़ कदमों से हॉल कमरे से गुजरते हुए उसने बेला के कमरे का दरवाज़ा खोला तो कैंडल्स की सुनहरी रोशनी में वो एक कोने में सुखड़ी सिमटी बैठी दिखाई दी थी। बेला, वो तशवीश के आलम में उसकी जाने बढ़ा था जब उसकी आवाज़ सुनते ही बेला ने घुटनों से सर उठाया और खौफजदा निगाहों से उसे देखा। क्या हुआ बेला, आप ठीक तो हैं? आपकी चीख की आवाज़, वो अभी कुछ कह रहा था जब बेला के अगले कदम ने उसकी ज़बान को ब्रेक लगाए। वो बुरी तरह लरस सी उसकी आगोश में आन समाई थी और रेहान अपनी जगह साकत हुआ था। मुझे बहुत डर लग रहा है रेहान, मुझे अंधेरे से बहुत खौफ आता है। अच्छा हवले से दिखाई दे रहे हैं, मेरा दम घुट रहा है, प्लीज़ मेरे पास रहो। बेला की तेज़ धड़कनें उसकी अंदरूनी कैफियत का पता दे रही थी जबकि उन धड़कनों को महसूस करता रेहान अजीब से एहसास से दोचार हुआ था। उसने एक हाथ बेला के गिर्द हमाइल करते हुए कैंडल स्टैंड साइड टेबल पर रखा। कोई भी नहीं है यहाँ बेला, सिर्फ मैं और तुम हैं, रिलैक्स। उसकी पुष्प सहलाता वो अभी तक बेयकीन था कि बेला जैसी मजबूत दिखने वाली औरत अंधेरे से खौफजदा हो सकती थी। वो यूं ही उसे अपनी महफूज आगोश का सहारा दिए खड़ा था जब निगाह कुछ फासले पर गिरे अपने नॉवल तक गई और बेला के डर की वजह समझ में आ गई थी। लाइट जाने से कबल मेरा नॉवल पढ़नी थी आप, उसे खुद से अलग करता वो सवाल कर गया। बेला ने इस बात में सर हिलाया तो वो गहरी सांस लेकर रह गया। शायद इस नॉवल के किरदार बेला के जहन में अटक गए थे जो अंधेरे में उसके खौफ का बाइस बने थे। रेहान के लम्बों पर नामहसूस ही मुस्कुराहट उभरी। चंद पल खामोशी से गुजरे थे जब उसने बेला के गिर्द बांधा अपना हसार तोड़ा। बेला को भी जब सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ तो वो खजल सी होती पीछे हटी। सिर्फ हवेली की लाइट गई है, शायद मेन स्विच में कुछ मसला हुआ है, मैं चेक करके आता हूँ, उसे शर्मिंदगी से निकालने के लिए वो हल्के फुल्के लहजे में कहता मुड़ा था। मैं भी तुम्हारे साथ, आह। बेला ने तेजी से उसके साथ कदम बढ़ाए थे जब पैर रपटा और उसका तवाज़ुन बिगड़ा। गिरने से बचने के लिए उसने रेहान को थामना चाहा था लेकिन सिर्फ रेहान का बाजू गिरफ्त में आया था। रेहान खुद भी इस झटके के लिए तैयार नहीं था तभी बेला को संभालते संभालते खुद भी बेड पर आन गिरा। जब हवास कदरे बहाल हुए तो उसने निगाहें उठाकर बेला की जानिब देखा जो आंखें सख्ती से नीचे उसके हसार में पड़ी थी। जाने इन लम्हों में कैसा जादू था कि वो बेखुदसा मधम सी रोशनी में उसे देखे गया। दिल ने बेसाख्ता इस चांद चेहरे को छूने की ख्वाहिश की थी, शायद उसकी निगाहों की तपिश ही थी जिसने बेला को आंखें खोलने पर मजबूर किया था और रेहान की आंखों में झांकती वो उसके दिल में
उभरते जज्बात से बेखबर नहीं रह पाई थी। रेहान ने अपने अंदर पैदा होती इन अनहोनी ख्वाहिशात पर बंद बांधते हुए उसे अपने हस्सा से आज़ाद किया और उठने की कोशिश की थी, जब बेला की कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वो फौरन उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। तभी इल्म हुआ कि बेला की गले में पहना पेंडेंट उसके स्वेटर से बुरी तरह उलझा था और शायद फासला कायम करने की चाह में पेंडेंट की वो चेन बेला की गर्दन पर रगड़ खाती उसे जख्म दे गई थी। रिहान ने ज़रा सा उसकी जानिब झुकते हुए अपने स्वेटर से उसके पेंडेंट को आज़ाद करवाना चाहा था, जब बेला के वजूद से उठती खुशबू बुरी तरह हवास पर असरअंदाज होने लगी। रात का आलम, तन्हाई और कमरे में दो मुखालिफ जिन से ताल्लुक़ रखते वजूद, उन्हें एक दूसरे की कशिश कैसे ना खींचती। रिहान ने सहर से बचने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर कब तक। बेला ज़रा सी गर्दन उठाती उसके करीब हुई थी ताकि चेन का खिंचाव कम हो सके, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस पल वो सामने बैठते शख्स के जब्त का कड़ा इम्तिहान ले रही थी। लाओ मैं निकालती हूँ, अपने जज्बात से खाइफ रिहान उस पेंडेंट को निकाल नहीं पा रहा था। तभी बेला ने उसके हाथ पर हाथ रखा, गहरी सांस भरता वो अपने हाथ हटा गया। बेला ने चंद पल कोशिश की थी, लेकिन शायद पेंडेंट की भी यही ख्वाहिश थी कि फासला बढ़ाया ना जाए। ये तो मुश्किल लग रहा है, तुम प्लीज़ चेन की हुक खोल दो, गर्दन पर खिंचाव की वजह से ज़ख्म बन गया है शायद, बेला ने मायूसी से कहते हुए उसे मुखातिब किया। रिहान ने एक पल को उसकी जानिब देखा, जैसे डर हो कि कुर्बत के आलम में उसे अख्तियार ना खो बैठे, लेकिन वे बिना उस पर कुछ जाहिर किए अजबात में सर हिलाता आगे हुआ। दोनों हाथ बेला की गर्दन के गिर्द हमायल किए और चेहरा उसके कंधे से ज़रा ऊपर किए, गर्दन की पिछली जानिब देखता हुक खोलने लगा। बेला के गैसों की खुशबू और अपनी गर्दन पर पड़ती उसकी गर्म सांसों की तपिश, वो इतना पारसा भी नहीं था कि इन दिलफरेब लम्हात के सहर से बच पाता। हुक खोलते हुए उसकी निगाह बेला की गर्दन की जानिब गई, जहाँ चेन की रगड़ के बाइस जिल्द सुर्ख हो गई थी। बेख्तियारी किसी कैफियत में उसने उंगली की पोर से गर्दन की जिल्द को सहलाया, गोया मरहम रखने की कोशिश की थी। उसकी पोरों से खुद में सरायत करते सुकून को महसूस करती बेला आंखें बंद कर गई। रिहान ने चेहरा उसके मुकाबले लाते हुए उसे बगौर देखा। दिल ने इस पल सब भूल कर इन लम्हात से अनमोल यादें बनाने का फैसला किया था। तुम्हें खबर ही नहीं कि तुम्हारा ये हुसन किसी भी पारसा शख्स का ईमान डगमगाने की सलाहियत रखता है। उसके रुखसार को अंगूठे से सहलाता वो उसके सुर्ख भरे भरे लबों को देखता उसकी जानिब झुका। जब जहन के किवाड़ पर किसी पुरानी भूली भटकी सी याद ने दस्तक दी थी, वायलन पर माहिराना अंदाज में कोई मीठी सी धुन बजाता, एक निस्वानी वजूद और उसे उकूब से हसार में लिए खड़ा वो मर्द जो उसके जोड़े में कैद बाल आज़ाद करता, उनकी खुशबू से मदहोश हो रहा था। फिर मंजर ज़रा सा बदला, किसी लड़की को बाहों में उठाए बेडरूम में दाखिल होता एक मर्द, पहली बार महबूब के लम्हे से आशना होते होठ, उसकी कुर्बत की आँख से पिघलती वो नाजुक लड़की, अपनी मोहब्बत की राह में हायल हर कैदोबंद से आज़ाद होकर एक दूसरे में खोते वो दो वजूद, कतरा कतरा पिघलती रात, और इससे पहले कि कोई ख़ता सरजद होती एकदम कमरे में तेज़ रोशनी फैली थी और वो फंसूँ जो उन दोनों को अपने हसार में लिए हुए था वो छनाके से चकनाचूर हुआ। रिहान तेजी से बेला से दूर हुआ था, कितने ही पल वो समझ नहीं सका कि ये सब हुआ क्या था। वो कैसे बिना किसी रिश्ते के यूं किसी लड़की के इतने करीब आ सकता था। आंखें सख्ती से मींचता वो तेज होते तनफ उस पर काबू पाने लगा। आई एम सॉरी मैं बह गया था। जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो बिना नजर मिलाए वो तेजी से कहता, एक लम्हे की भी देर किए बिना वहां से निकला था। जबकि उसके यूं जाने पर बेला चेहरे पर खालीपन लिए वहीं बैठी रह गई थी। मैं बहक गया था, बरसों पहले भी किसी ने ये अल्फाज कहे थे और इन अल्फाज की अज़ियत आज भी उतनी ही गहरी थी जितनी 4 साल पहले। एक अज़ियत भरी मुस्कान ने उसके लबों का अहाता किया था। अगले कई दिन बहुत खामोशी के आलम में गुजरे थे। वो नॉर्मल दिखाई देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नॉर्मल नहीं रहा था। इस घर में हर पल बेला की मौजूदगी उसे डिस्टर्ब कर रही थी। हालांकि वो उस रात चंद लम्हों की खता के लिए बेला से माजर कर चुका था, लेकिन फिर भी वो उसके सामने जाने से गुरेज बरतने लगा था। वो एकदम अपने दिल के पलटा खाने और बेला के हवाले से अपने जज्बात के बदलाव पर हैरान था। ये सब उसे वक्ती कशिश लग रही थी,
तभी वो इस कशिश से बचने की जद्दोजहद में ज़्यादातर ऊपर अपने पोर्शन में ही बन रहता था। हाँ, लेकिन जहन पर हर पल अब बेला का ही ख्याल सवार रहने लगा था। कुछ लिखने बैठता तब भी जहन के पर्दे पर बेला के साथ गुजरे वो चंद खूबसूरत पल याद आने लगते। वो डरने लगा था खुद से, तभी फैसला किया था कि वो मज़ीद इस हवेली में नहीं रहेगा। कल एक माह पूरा होने वाला था उसे यहाँ आए हुए, तभी उसने इरादा बांधा था कि कल वो इस हवेली को छोड़कर अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाएगा। वैसे भी सिर्फ नॉवेल मुकम्मल करने के लिए ही वो यहाँ आया था, और अब नॉवेल मुकम्मल होने को था और सिर्फ क्लाइमेक्स सीन बाकी था। तभी उसे ज़्यादा फिक्र भी नहीं थी। यहाँ इस हवेली में आने के बाद बहुत कुछ अजीब हुआ था, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये थी कि बिलाखिर वो आज रात नॉवेल मुकम्मल करके कल उसे पब्लिशर के हवाले करने वाला था। अपने कल यहाँ से चले जाने के मुतालिक बेला को बताने की गर्ज से वो नीचे जाती सीढ़ियों की जाने बढ़ा था, जब कोई ख्याल आने पर रुका। फिर पलट कर राइटिंग टेबल तक आया और दराज खोलते हुए बेला का वो पेंडेंट और चेन निकाली जो उस दिन स्वेटर के साथ अटकी रह गई थी। उसकी अमानत हाथ में लिए वो नीचे चला आया। बेला हॉल कमरे में उसे ना पाकर वो बेडरूम की जानब चला आया, जहाँ खुले दरवाजे से उसे बेला दिखाई दी थी। कहीं जा रही हैं आप? उसे एक बैग में चंद कपड़े और ज़रूरत की अशिया रखते देख कर वो सवाल कर गया। हाँ, एक ज़रूरी काम से जाना पड़ा है मुझे, कल शाम तक लौट आऊँगी, वो मसरूफ़ से अंदाज में कह गई। अपने घर को एक अजनबी के हवाले करके जा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो आपके आने तक ये अजनबी आपके घर से कोई कीमती चीज़ ले उड़े, वो एक हल्की सी शरारत से कह गया। एक अजनबी चंद कीमती चीज़ें बहुत पहले से चुरा चुका है, रही बात इस घर की चीज़ों की, तो इन मादी चीज़ों की मेरी नज़र में कोई कीमत नहीं, वो सपाट के अंदाज में कह गई। मजाक कर रहा हूँ मैं, खैर यह आपकी अमानत पड़ी थी मेरे पास, सोचा जाने से पहले लौटा दूँ। रिहान ने पेंडेंट वहीं एक जानिब रखा। बेला की निगाहों में उभरता तासुर वाज़े कर रहा था कि पेंडेंट को देखकर उन दोनों के दरमियान ठहरे वो चंद लम्हात उसे भी याद आए थे। जाने से पहले मतलब? सिरत से खुद को संभालती वो उसके लफ्ज़ों पर उठी। मतलब ये है कि आज मेरी आखिरी रात है इस घर में, कल सुबह मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मतलब वापस अपने फ्लैट में शिफ्ट हो रहा हूँ। जब तक आप वापस लौटेंगी शायद तब तक मैं जा चुका हूँगा। हाँ, लेकिन अपने फ्लैट का एड्रेस छोड़ जाऊँगा, वापस आने पर अगर यहाँ की कोई चीज़ मिसिंग पाएँ तो बिला झिझक मेरे फ्लैट पर वसूली के लिए आ सकती हैं आप। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो कहता चला गया। बैग की जिप बंद करते बेला के हाथ थमे, चेहरे पर एक पल को अजीब सी मुस्कुराहट उभर कर मालूम हुई। कयामत की रात के मुतालिक सुना है तुमने? वो छोटा सा सफरी बैग उठाए उसके मुकाबले आई। कयामत की रात? रिहान ने बिल्कुल गैर मतवक्का सवाल पर निगाहों में उलझन लिए उसे देखा। हाँ, वो रात जिसकी कोई सुबह नहीं होती। वो एक पल के लिए ठहरी उसकी आंखों में झांका। हो सकता है कि आज की ये रात तुम्हारे लिए कयामत की रात साबित हो। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए वो अपनी बात मुकम्मल करती साइड से गुजरती वहाँ से जा चुकी थी, जबकि रिहान अजीब से एहसासात में घिरा उसकी पुष्प को देखता रह गया था। ये क्या कहकर गई थी वो? इस बात का मतलब क्या था भला? आज की रात कयामत की रात? उसके जहन में कई सवालात उभरे थे जिनके जवाब रात ढलने पर ही मिलने वाले थे। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? यकीनन पसंद आई होगी, तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ जहां हम इसकी नेक्स्ट एपिसोड लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स।